साथ देखो लगो गए वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। पटेल समाज के पूरा साथियों, मैं मूल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया मुझे। मैं मुझे मेरा परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बी एस सी फर्स्ट ईयर के बी कॉम जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है उनको मेरे को परीक्षा देने की जरूरत है लग रहा है। सेकेंड ईयर फाइनल एम ए पी एच डी करने वाले उनको मेरे परीक्षा से पहले से है पता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं 2015 2016 17 मेरा युवा साथियों आप मेरे भाषण को सुनना फिर अपने बी ए से वोट देना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ मेरे एबीपी के पैनल को वोट दो, मुझे वोट दो, वोट ऐसे व्यक्ति को देना जो एक राष्ट्रवाद की बात करता हो, जो संतन संस्कारी हो, व्यवहारिक हो। मैं 2015-16-17 लगातार 3 वर्ष एबीपी से टिकट मांगा, छात्र संघ पद अध्यक्ष पद की दावेदारी की, लेकिन मैंने एक निश्चय कर लिया था काम नहीं थी, यदि मुझे चुनाव लड़ना ही है तो इस भव्य ध्वज के नीचे चुनाव लड़ा। मुझे दूसरे दूसरी पार्टियों ने भी 2015 में कहा था अजय मूल सिंह जी हमारे संगठन से चुनाव लड़ लो, तो मैंने उनको मना कर दिया भाई मैं तो चुनाव एबीपी से लड़ूँ। पार्टी ने कार्यकर्ता समझ के मुझे मौका दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे जो सामने वाले प्रत्याशी है मेरा भाई चल रहा है वो भी कुछ सुन रहे होंगे, वो इस विश्वविद्यालय में पिछले 1 साल से नियमित विद्यार्थी है, मैं इस विश्वविद्यालय के अंदर 2012 से नियमित विद्यार्थी। अब आप अपना खुद तय करो, 500 साल से विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है और 1-1 साल से पढ़ रहा है किसको ज़्यादा अनुभव होगा आप खुद तय करो। 2012 से पढ़ रहा है और पटेल समाज के यहाँ आपके 2012 से जो भी बीएससी बीकॉम कर रहा है उसको ये जाकर पूछ लेना कि भाई मूल सिंह चुनाव लड़ रहा है उसने मेहनत की है कि नहीं की है। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ लेकिन मेरे मन में थी मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ूँ, मैं भी इस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनूँ। मैं देखता था इस विश्वविद्यालय में जाति के नाम पे पूंजीपतियों ने वोट मांगने शुरू किए और इस विश्वविद्यालय में चुनाव सिर्फ पूंजीवाद लोग चुनाव लड़ते थे। इस बार ऐसा मौका है, या तो 2014 के अंदर एक सामान्य परिवार का व्यक्ति आया था स्वर्गीय भाई भवन सिंह जी राठौर, उसमें आपने पटेल समाज का बहुत जितना योगदान रहा था, लेकिन वो आज के बाद बीच में नहीं है। यदि उसके बाद में यदि कोई सामान्य परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति मैं हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप मैं इस विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी अपनी शैक्षणिक योग्यता नहीं बताएगा, बतानी चाहिए। छात्रों के चुनाव है, स्टूडेंट के चुनाव है, MLMP के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता नहीं पूछी जाती है, लेकिन छात्रों का चुनाव है। मैं इस विश्वविद्यालय का LLB फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं ध्यान लगा कर सुनना, मैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट लिस्ट विद्यार्थी विद्यार्थियों विश्वविद्यालय का टॉपर के हाथ में होना चाहिए, या फिर 1 साल पहले आगे एडमिशन लेता है चुनाव लड़ने के लिए एडमिशन लेता है उसके हाथ में होना चाहिए। आप खुद तय कही थी मैं इस विश्वविद्यालय का MA पॉलिटिकल साइंस और खेल के क्षेत्र में देखा जाए तो मेरे अनुसार तो ऐसा कोई छात्र संघ का प्रत्याशी नहीं होगा। एक गेम में नहीं कुश्ती खो खो दोनों गेमों में मैंने कप्तान के रूप में मुझे शोभा की बात है। मैं पिछले वर्ष कुश्ती टीम का मैंने भी प्रतिनिधित्व किया था और 2016 में खो खो टीम का प्रतिनिधित्व किया था। भाइयों यदि मैं मेरी योग्यता अभी शुरू करूँ तो शाम तक पूरी नहीं होगी। NCC का कैडेट रहा हूँ, NCC में मैंने अनुशासन एकता का पाठ सीखा और यदि मैंने व्यवहारिक और संस्कारिक लक्षण कहीं से सीखे तो इस भव्य ध्वज से सीखे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता वर्ष भर आपके बीच में खड़ा रहता है, आपके और आपके पिछली बार आपके पटेल समाज में आपकी बहन मेरी बहन प्रेम पटेल राजेंद्र सिंह जी इनका पैनल बनाया था, लेकिन किसी कारणवश आपकी हमारी कहीं गलती रह गई होगी हम चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन जो पिछली गलती वापस मत दोहराना। इस बार आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पक्ष में हमेशा आप वोट करते हो, हमेशा वोट करते हो, इस बार भी करोगे मुझे उम्मीद है, लेकिन आपको बोल्ड सिंह बनना पड़ेगा। मेरे पास मात्र 6 घंटे की लड़ाई है,
शाम को 10 बजे पढ़ता ठप हो जाएगा। आप जितने भी आपके साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको ये बोलो भाई इस बार वोट मोदी जी को नहीं राष्ट्रवाद को वोट देना, एक सामान्य परिवार को वोट देना जो पिछले 5 साल से हमारे बीच में संघर्ष कर रहा है। ये आपके वार्डन साहब को पूछ लेना, भगाराम जी को पूछ लेना। मैंने तो मेरे पास किसी भी कास्ट का विद्यार्थी आया हो मैंने उसका सम्मान किया, उसका काम किया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद हो बड़े बड़े वादे तो जरूर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यदि शिक्षित लगा छात्र संघ अध्यक्ष बना तो मेरे बजट में से ऐसी घोषणा कोई नहीं करेगा, मैं कर रहा हूँ। मैं मेरे बजट में से बड़े नेताओं को राष्ट्रीय स्तर को नेताओं को न बुलाकर कार्यालय का उद्घाटन न कराकर उस पैसे का 5-6 लाख रुपये की बुकें गरीब बीपीएल व्यक्ति स्टूडेंट जिनके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं होते 5 लाख की बुक की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। सक्षम नहीं है मैं मेरे बजट में से 5 लाख की व्यवस्था लाइब्रेरी में करूँगा, लाइब्रेरी से जो है व्यक्ति वो वहाँ से बुक ले लेगा। ये मैं अध्यक्ष बनूंगा, ये मेरा सबसे पहला काम रहेगा। ये मेरा दूसरा काम, विद्यार्थी आते हैं चुनाव लड़ने के बड़े बड़े वादे करते हैं, मैंने देखा है कई संतों के वादे वही होते हैं जो 2012 से जो मैं फर्स्ट ईयर में आप जैसे आया था उनके भाषण सुने थे तो वही वादे आज सेम चल रहे हैं। खेलों में सुधार हो जाएगा, शैक्षणिक माहौल बढ़ जाएगा, लेकिन शैक्षणिक माहौल कब बढ़ेगा जब उनके विश्वविद्यालय में यदि शिक्षक का सम्मान फैकल्टी प्रोफेसर का सम्मान नहीं करेंगे तो शैक्षणिक माहौल नहीं बढ़ेगा। आप भी विद्यालय से पढ़ के आ रहे हो, यदि आपके विद्यालय में टीचर का सम्मान नहीं होता है तो हमारी पढ़ाई होती है क्या? तो आपके यहाँ पिछली बार जो छात्र संघ चुनाव जीता है उसके प्रत्याशियों ने उनके भाइयों ने हमारे प्रोफेसरों को गिरबान में हाथ डाला, उनको पिटाई की। क्यों पिटाई की ये भी आपको कारण बता देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम खेलों में सुधार करेंगे, उन्होंने खेलों में सुधार नहीं किया। टीम चुनाव जीते, बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, बोलते हैं सर अब आपकी टीम में से मेरे कुछ जाति के या हमारे भाई हमारा भतीजा दो जने खेलने जाएंगे। क्यों भाई क्यों जाएंगे दो जने खेलने? यदि विश्वविद्यालय की टीम जा रही है कोई कौम की टीम थोड़ी बन रही है, विश्वविद्यालय की टीम बन रही है उसमें 36 कौम के योगी खेलर जाएंगे जो खेल सकता है जिसमें योग्यता है, ऐसा कोई गेम खेल थोड़ी है भाई। इस खेल में ये जाति के लोग जाएंगे। इस बार ये जो पर्दा चली आ रही है इसको खत्म कर दिया, जो गेम है पारदर्शिता जिसके टैल हो पारदर्शिता उसके सामने टैल की जाए और उसकी घोषणा 15 दिन पहले जारी की जाए और प्रत्येक विद्यार्थी को मैं मैसेज 15 दिन पहले कराऊंगा, जैसे खो खो टीम की बाइक टैल है 15 दिन बाद में आपको गेम मैदान में आना। होता क्या है विद्यार्थियों को खिलाड़ियों को जब टीम रवाना होती है तब पता चलता है कि विश्वविद्यालय की टीम रवाना होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ खेलों में सुधार, खेलों की टीमों में सुधार, किसी जाति के बाद किसी जाति की टीम खेलने नहीं जाएगी, उसमें योग्य खिलाड़ी खेलने जाएंगे। और यदि मेरा तीसरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य आपको विद्यार्थियों को थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन आपकी भविष्य के लिए से कह रहा हूँ विद्यार्थी कक्षा में नहीं आते। मैंने कई विद्यार्थी देखे हैं जिनके 12th क्लास में 85, ऐसे आपको सही बात आपके मुंह पे कोई नहीं बदलेगा। ज़्यादा अधिकांश छात्र नेता यही कहते हैं एडमिशन ले लो कॉलेज मत आना, घर बैठ के पढ़ो घर बैठ के पढ़ो। तो भाई घर बैठ के पढ़ते तो यूनिवर्सिटी सरकार पागल है या यूनिवर्सिटी में फैकल्टी लगे? सरकार फैकल्टी पर 1.5 लाख 2-2 लाख एक टीचर को तनख्वाह दे रही है, वो क्यों दे रही है? अपन को पढ़ाने के लिए दे रही ना। और हमेशा वो चाहते था ये कहते हैं क्लास में टीचर पढ़ाने नहीं आते, क्लास में टीचर पढ़ाने आता है। आपको इस बार मैं एक ऐसा जन जागृत आंदोलन करूँगा, अभिभावकों के पास जाऊँगा, विद्यार्थियों के अभिभावकों के पास जाऊँगा, ये कहूँगा कि भाई आपका बच्चा और जो तुम बैठा है कॉलेज क्यों नहीं जा रहा, विश्वविद्यालय क्यों नहीं जा रहा, विश्वविद्यालय जाओ पढ़ाई करो। मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे बीए करने के बाद वो बीए की बल नहीं आता, फिर कंपिटिशन की तैयारी करते हैं, फिर वापस वही 3 साल का पूरा रीजन करते हैं। ये तो मेरा मैनिफेस्टो है, शैक्षणिक माहौल बनाना, खेलों में खेल टीमों में सुधार करना, शिक्षकों का सम्मान करना, मेरे लाइब्रेरी मेरे फंड में से लाइब्रेरी को 5 लाख रुपये की घोषणा। और मैं इस पटेल समाज का ऋणी हूँ, मैं पटेल समाज का फर्स्ट बार इस हॉस्टल में नहीं आया हूँ, मैंने खुद 2013 में कला संख्या छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, इस समय मुझे पटेल समाज के बहुत योगदान मिला था।
तो उस समय मैंने पता कमाल की कार्यकर्ता थे झूमर पटेल, क्योंकि मुंबई में काम हो रहा है, झूमर पटेल जी मेरे कार्यकर्ता थे। उसके बाद में मैंने सूरज पाल सिंह, मेरे भाई सूरज पाल सिंह भौले सिंह चुनाव कराया था वाइस प्रेसिडेंट का, उस समय भी आपने पटेल समाज का मुझे बहुत बहुत योगदान रहा था। इंडियन सैनिक छात्रावास वहाँ आर्मी के लिए वार्ड है, उन सर जी मेरा योगदान अच्छा दिया था। और आनंद सिंह के टाइम, मोहन सिंह के टाइम, कुणाल सिंह के टाइम, राजेंद्र सिंह टाइम, जिस तरह पटेल समाज का मैं सहयोग मिलता रहा है, मैं भगवान से श्री राधा राम जी महाराज से यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज पटेल समाज के हमारे समाज अच्छे थे, अच्छे रहेंगे और अच्छे रखेंगे। भाइयों, जातिवाद के चक्कर में मत आना, लोग जातिवाद में वोट मांगी है, कौन से जातियों को अपन वोट देते हैं कि ये जाते ये जाते, ये ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र है, अच्छे अच्छे नेता का शासक सरकार से निर्माण करना। 10 तारीख को कल वोट है, आप वोट देने जरूर आना। आपके मेरे साथ इतने विद्यार्थी बैठे हैं, ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसकी फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं। आप मेरी एबीपी के पैनल की पोस्ट अपलोड करना, आपके एक पोस्ट से क्या पता आपके साथ में पढ़ने वाले 4 मित्र आपके कहने वोट हैं। आप इसलिए मेरे सामने 50 की संख्या बैठे हो, यदि 50 धड़े आप यदि देवल दान दो या वोट जीतो, हमें पटेल समाज की ओर से, हमारे मित्रों की ओर से 2 सपोर्ट दिलाने, तो भैया आराम से दिला सकते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा राष्ट्रवाद की बात करता है और राष्ट्रवाद का साथ देता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, 365 दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक्टिव नजर आएगा। और आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की परिषद के कार्यकर्ताओं की मेहनत से राजस्थान का ऐसा जैनी जोधपुर विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय होगा जो 30 जून से पहले रिजल्ट निकालने वाला पहला विश्वविद्यालय। ये रिजल्ट निकालने का प्रयास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जब 2014 में चुनाव लड़े थे तो हमने एक ही मेहनत शुरू कर दिया था, परीक्षा परिणाम हमारे आप विश्वविद्यालय में प्रवेश टाइट हो रहे हैं, परीक्षा टाइट हो रही है और परिणाम 30 जून से पहले आए। और एक बात मैं कहना भूल गया, ग्रामीण परिवेश से छात्र आते हैं कि छात्रों के 70% नीचे नंबर होते हैं, उनके नंबर नहीं आते, लेकिन मैं छात्र संघ अध्यक्ष विश्वविद्यालय का बढ़ता हूँ तो हर संकाय में SFS की 4 सेक्शन बढ़ाने के आज प्रयास करूँगा, जिससे फैकल्टी कट ऑफ नीचे आए और ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों को इस विश्वविद्यालय में नियमित रूप से दाखिला हो सके। दिया, मैं आपका आभारी हूँ और मेरे लिए पटेल समाज की जहाँ भी जरूरत पड़ी, किसी भी चुनाव में मेरी जरूरत पड़ी, मूल सिंह की पटेल समाज के लिए कहीं भी मूल सिंह की जरूरत पड़ी तो मूल सिंह विधानसभा लोकसभा कहीं भी आप मेरे बोला नहीं, पटेल समाज के लिए मूल सिंह आदर रहेगा। कोई भी काम हो आप मुझे, मैं चुनाव हारूं थी तो जो भी निर्भर है वो मेरा परिणाम मेरे को मंजूर है, लेकिन आपके लिए मैं 2012 से सक्रिय हूँ, सक्रिय रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। जो फर्स्ट ईयर में एक साल से तो पढ़ रहा है, नए व्यक्ति को वोट मत देना भैया, एक अच्छे साथ प्रचार करके आप निर्माण करना, अगर एक से वोट देना तो वोट देना आपका अधिकार है, हमें हमारा पास देने का अधिकार। आपको याद दिला दें कि ये हमारे साथ था और साथ रहेगा। और दूसरी बात, हमारे जो स्टूडेंट जो आपने समाज के लिए किया वो हमें याद है। MCC में आपका वो जो काम होते हैं जुम्मन के माध्यम से आपने जो काम किए हैं वो भी हमें याद है और आपके दिए हुए कार्य को कभी नहीं भूलेंगे। अब हम जो है गलत छात्रावास में जाएंगे, वहाँ